आज वसीम बरेलवी की एक खूबसूरत सी गज़ल लेकर आया हूँ कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। उसको कांधे पे ले जा रहे हैं वसीम और वो जीने का हक मांगता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, इकरार जुर्म इकरार मोहब्बत इकरार इश्क में मेरा नाम आते आते रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। कुछ मसलहत होगी, कोई बात उसने सोच ली होगी, कोई खौफ रहा होगा कि मेरा नाम वो लेना चाह रहा था लेकिन मेरा नाम जो उसके होठों पे कांपता रह गया, मेरा नाम नहीं ले सका, शायद कोई वजह होगी, कोई मसलहत होगी। आते आते मेरा नाम सर बिल्कुल अब मेरा नाम निकलने वाला था उसके ज़ुबान से लेकिन यहीं पर वो रुक गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, रात मुजरिम थे दामन बचा ले गई, दिन गवाहों के सफ में खड़ा रह गया। भाई जो जालिम होते हैं ना, जो मुजरिम भी होते हैं ना, वो इंसाफ की नज़र से अपने आप को साफ बचा ले जाते हैं। रात मुजरिम थे दामन बचा ले गई, हालांकि दिन उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार था लेकिन उसे गवाहों के सफ़ में खड़ा कर दिया गया, उसे गवाही नहीं ली गई और वो अपना दामन बचा ले गई। रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, दिन गवाहों के सफ़ में खड़ा रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। देखिए झूठ वाले कहां से कहां पहुंच गए, बेपनाह दौलत, बेपनाह ताकत, बेपनाह शोहरत, अब और बड़ी बड़ी कुर्सियों के मालिक बन गए। आज कुर्सियों पर जितने लोग हैं तख्त नशीन जो लोग हैं वो सब के सब झूठे, एक नंबर बड़े बड़े झूठे, लेकिन देखिए वो सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम जो झूठ को नकारते रहे, झूठ को गुनाह समझते रहे, झूठ से बचते रहे, हमेशा सच कहते रह गए, तो आज हमारे घर पे छप्पर भी नहीं है। तो और मैं था कि सच बोलता, बस हमने सच का दामन थामा और हम कहीं के नहीं रहे। और देखिए झूठ वाले कहाँ से कहाँ चले गए, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता रहे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। भाई आंधी जब आई थी उसकी पूरी कोशिश थी कि दिया को बुझा दिया जाए, सच्चाई के चिराग को बुझा दिया जाए। झूठ की आंधी इस कदर चली लेकिन एक दिया था वो जलता हुआ रह गया। अब वो कहते ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में आग होगी वो दिया रह जाएगा। यही आलम यहाँ भी है कि आंधियाँ तय नहीं करेंगी चिराग का जलना, वो चिराग के अंदर कितनी आग है ये तय करेगी। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ता बेजान बेबस, पुकार भी नहीं सकता, उसी तरह उसको देखता रह गया, बिल्कुल बेजान गूंगा बन करके मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया, उसको कांधे पे ले जा रहे हैं वसीम और वो जीने का हक मांगता रह गया। भाई जनाजा लेके जो लोग जा रहे हैं ना, जिसका जनाजा लेके जा रहे हैं वो उम्र भर अपने जीने का हक मांगता रह गया कि मुझे भी जीने दो, मुझे भी थोड़ी सी ज़मीन दो, मुझे भी कुछ थोड़ी सी हवा दो सांस लेने के लिए, लेकिन वो तो नहीं मिला। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो देखिए लोग कितनी इज्जत से उसे कांधों पर उठा करके ले जा रहे हैं, उसको कांधे पर ले जा रहे हैं वसीम और वो जीने का हक मांगता रह गया। वसीम बरेलवी की यह गज़ल आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।